है, मुझे देख के बहुत प्राउड फील हुआ। ठीक है, वो प्राउड फील किस लिए हुआ मैं बताता हूँ। एक बैड न्यूज ये भी है, बीच रास्ते में एक और पंगा हो गया। तो मैंने अभी जो है एक नया नया काम शुरू किया है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे टायर का बिजनेस शुरू किया है मैंने। तो ये काम मेरे को शुरू किया आज ही से मैंने स्टार्ट किया है। वैसा नहीं कि मैंने 2-3 महीने से स्टार्ट किया है, ये काम मैंने आज से स्टार्ट किया है। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है गाइस, नमस्ते सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल। सो आई गेस यू गाइस आर ऑल डूइंग वेल, और रीति भी है, और हम देखने आए हैं कि काम वाम ठीक से चल रहा है कि नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम बता क्या हुआ है, हिमालयन है, पंक्चर होना है बाइक, और पंक्चर का इशू तो हिमालयन में बना रहता है, तो अभी पंक्चर बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो लोग हिमालयन ओनर है उनको क्या प्रॉब्लम। यार इतनी अच्छी बाइक बनाई है, कम से कम इसको ट्यूबलेस कर देते तो इतना हेडेक नहीं होता, और ये इशू जो है कंटिन्यू चले ही आ रहा है। और बाइक एक साल हुआ है मेरे को बाइक लिए हुए, लेकिन ये जो इशू है ना, ये तकरीबन एक साल में मेरा तकरीबन पाँच से छः बार मेरा पंक्चर बाइक का हो चुका है। पंक्चर बन रहा है, मैं दिखाता हूँ कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है। ये जो भैया है अभी पंक्चर मेरे बना रहे हैं, और ये एक ट्यूब था, और इसके ऊपर से एक और ट्यूब मैंने दिया था, वो रहा। तो अभी पंक्चर बन रहा है, देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैं तो पंक्चर बनवा रहा हूँ बाइक का, भैया बना रहे हैं, लेकिन रीति जो है अपने काम में लगी हुई है। इतने सारे चिप्स के पैकेट और सब कुछ लेके बैठी हुई है, तो उसको खाना है। एक्चुअली भूख मेरे को भी बहुत तेज लगा हुआ है। हम लोग घर ही आ रहे थे ऑफिस से, लेकिन बीच रास्ते में ये पंक्चर हुआ है, और अभी पंक्चर बन रहा है। तो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे पंक्चर हुआ है, क्योंकि अभी जो ट्यूब है ना, उस ट्यूब के ऊपर मैंने एक और ट्यूब कवर किया था, ताकि पंक्चर का कोई इशू ना हो उतना, पने मेरा ट्यूब जो मेन ट्यूब है उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो अभी देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी पता चल रहा है कि नया ट्यूब लेना पड़ेगा। ये जो ट्यूब है पूरा ख़राब हो गया, और इस ट्यूब पे ना तकरीबन 7 या 8, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं काउंट करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक हुआ है, ये रहा दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, तो 5 पंक्चर हुए, जिसमें से 4 बना हुआ था, और अभी एक हुआ है 5। तो ये ट्यूब जो है पूरा गया है, क्योंकि ये ट्यूब का यहाँ से भी गया हुआ है, ये भी ख़राब हो गया है। इसको बनवाया था मैंने लास्ट टाइम, तो ये भी ख़राब हो गया है, और अभी इसको फिर से वापस से बनाना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है नया ट्यूब ही लगा लूँ मैं। तो यार हिमालयन वाले, रॉयल एनफील्ड वाले अगर देख रहे होंगे, तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा ठीक करवाओ, ताकि बाइक को ट्यूबलेस करवाओ। इतने अच्छे अच्छे बाइक बना रहे हो आप लोग, और कम से कम एक हिमालयन इतना अच्छा बाइक बनाया ऑफ रोडिंग के लिए, कम से कम उसे तो ट्यूबलेस करो यार, ताकि हम जैसे राइडर्स को प्रॉब्लम ना हो। नया ट्यूब जो है वो लगा लिया हूँ, और उस ट्यूब के ऊपर एक और एक्स्ट्रा ट्यूब चढ़ाया हूँ, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी पंक्चर होना जब होगा तो होगा ही। तो फिलहाल जो अभी टायर बन चुका है, अभी ये रहा, ये लग चुका है नीचे, भाई जो है लगा रहा है, और मैं हमेशा यहीं पर बनवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा है, और इनका बिहेवियर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। मैंने अभी तक जितने सारे जगह पे टायर बनवाया ना, मैंने पंक्चर, सबसे अच्छा इनका बिहेवियर है, तो इसीलिए मैं यहीं पे आता हूँ। तो ये रहा एक नया ट्यूब लग चुका है, और भाई बना रहे हैं। तो फिलहाल जो यहाँ से बनाने के बाद शायद हो सकता है घर जाएंगे और खाना ना खाएँ, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 5 बजने को आया, और खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। भूख तो लगा हुआ था, बट अब भूख नहीं है। तो हाँ, इसको खाना इसलिए नहीं है, क्योंकि इसे ये भर पेट चिप्स खाई है, 4-5 पैकेट चिप्स लेके आई थी और चिप्स खाई है। तो फिलहाल यहाँ पे टायर बनाते हैं, और बना के फिर निकलते हैं। घर तो पहुँच गए, और आपने सबने देखा कि बाइक जो है पंक्चर हुआ, उसके बाद नया ट्यूब लगा बाइक में, और उसके बाद जो अभी घर आया हूँ, और घर आके फ्रेश होना है। और हाँ, मुझे मालूम है कि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी उतना बड़ा चैनल मेरा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रॉयल इनफील्ड से कोई भी देख रहा है, तो प्लीज़ यार इतना अच्छा बाइक है, कम से कम उसे तो कम से कम ट्यूबलेस बनाओ, ताकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे, या फिर कहीं दूर अगर कहीं दूर गए और ऐसे रास्ते पे पंक्चर हो गया जहाँ पे पंक्चर वाला नहीं है, ना इधर ना उधर, ना आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे, और बीच में लटक जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ यार इतनी अच्छी बाइक को उसको ट्यूबलेस करवाओ। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये है, मुझे देख के बहुत प्राउड फील हुआ। ठीक है, वो प्राउड फील किस लिए हुआ मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कमेंट सेक्शन में जाके
और जितने सारे कमेंट्स आए हैं ना, सब मतलब क्या बोलते हो, एक प्राउड सी फीलिंग आ रही है। चाहे व्यूज को साइड में रखते हैं, सब्सक्राइबर्स साइड में रखते हैं, सब कुछ साइड में रखने के बाद मैं बोलता हूँ, जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, किसी ने बोला कि एडिटिंग पे भैया ध्यान दो, किसी ने बोला ट्रैवल और करो, किसी ने बोला थोड़ा और चेंजेस लाओ, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो जिसके वजह से हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम और वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और हाँ, एक बैड न्यूज़ ये भी है कि डंपी ने जो है 3 तारीख का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब भाई डंपी, अगर तू वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ भाई 3 तारीख का मैनेज कर, और मैनेज करके प्लान जो था उसी को रहने दे, क्योंकि वो प्लान धमाल होने वाला था। अब अगर डंपी कैंसिल करता तो सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। और फिलहाल अभी फ्रेश हो लेते हैं, और फ्रेश होने के बाद पहले फ्रेश होते हैं। सो फाइनली जो है फ्रेश हो चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ डंपी को मनाने के लिए कि ताकि डंपी जो है वो मान जाए आने के लिए 3 तारीख को। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, धरती रेडी हो रही है, और मैं आपको सीधा नीचे मिलूँगा, आई मीन नीचे नहीं, मैं सीधा टाला स्टेशन के पास ही मिलूँगा। तो अभी चलते हैं और सीधा मैं आपको मिलता हूँ टाला स्टेशन के पास। डंपी आएगा और डंपी से मिलना होगा, बातचीत होगा और डंपी को मनाया जाएगा, बट डंपी जो है निकल नहीं पाया, क्योंकि हावड़ा से वो उसको आना था श्याम बाजार की तरफ, बट वो लेट हो गया। और मैं भी जब यहाँ से निकला तो मेरे को भी बीच रास्ते में धृति के फ़ोन पे फ़ोन आया कि घर पे कुछ अर्जेंट काम आ गया, और इतना अर्जेंट था कि मैं छोड़ के जा नहीं सका, क्योंकि मम्मी और दादी सिर्फ अकेले थे घर पे, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा बीच रास्ते से ही, तो मैं मिल नहीं पाया डंपी से। लेकिन हाँ, मैं डंपी को कॉल करके पूछ लूँगा कि क्या है क्या नहीं है, वो क्या करने वाला है क्या करने वाला नहीं है, बट बीच रास्ते से आना पड़ा। और बीच रास्ते में एक और पंगा हो गया, मैं सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग चल रहा है, बट मोटो ब्लॉगिंग मैं कर रहा था बट उसका ऑडियो जो है आया नहीं, और ऑडियो नहीं आने की वजह से सिर्फ वीडियो आया है। बट हाँ, मैं वो फुटेज भी डालूंगा, आप वो भी देखो कि वीडियो मैंने पूरा बनाया था, पूरा मोटो ब्लॉगिंग मैं करता हुआ जा रहा था, बट समहाउ वीडियो का ऑडियो के साथ नहीं आया, आई मीन दोनों का साथ नहीं हो पाया, दोनों के किस्मत में साथ लिखा हुआ नहीं था। तो फिलहाल गाइस जो है, अभी एक और बात बोलना चाहूँगा कि 3 तारीख का प्लान जो है वो 50-50 है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ प्रकाश और डंपी और बाबान अभी हम लोग तीनों सब चारों कॉन्फ्रेंस में बात करके उसको कन्फर्म करेंगे, क्योंकि 3 तारीख का प्लान तो होना ही होना, क्योंकि वो धमाल होगा और वो फुल टू इन्जॉयमेंट होगा, जो भी होगा मैं उस दिन सब दिखाऊँगा क्या क्या होता है हम लोग के बीच में। और हाँ, अगर गाइस वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक, कुछ अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, कुछ कमेंट कर देना ताकि हमें और पता चले खामियाँ, हमारी खूबियाँ और सब कुछ पता चले। तो कल मिलते हैं बढ़िया से किसी ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।